करें, उसके बाद ही अपना सफर शुरू करें। सीधा बानहाल आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आरिफ वहीद हमारे साथ है। आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, एक तो श्रीनगर जम्मू शाहरा जो है, लेटेस्ट अपडेट क्या है और हादसा भी पेश आया है, उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? की कोशिश करूंगा कि अगर आज दिन भर जो है बारिशों का सिलसिला लगातार जारी रहा है, उसके बीच जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ट्रैफिक की आवाजाही भी देखने को मिली। लेकिन इस सवाल से अगर बात करें तो बिल्कुल अभी अभी जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो कश्तवाड़ी पत्थर है वहां पे फिलहाल जो है ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है दोनों तरफ से, और मैन मशीनरी जो है वहां पर जो है इस समय काम नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कश्तवाड़ी पत्थर जो है ये भी एक चैलेंजिंग बना हुआ है। लेकिन इसके साथ में हाईवे की अगर हम बात करें तो हाईवे पे जो जो कुनी नाला का इलाका है वो भी अब आने वाले समय में जो है एक बड़ा चैलेंज जो है वो बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे कश्तवाड़ी पत्थर के साथ साथ हम कुनी नाला की भी बात करते हैं तो वहां पर बेहतर मौसम में भी जो है बड़े हेवी बोल्डर जो है वो गिर कर आते हैं, जहां पर उस जगह पर भी एक बेहतर अल्टरनेट निकालने की जरूरत है। क्योंकि वहां पर अगर देखें तो जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग पे खूनी नाला के सामने सिर्फ वाहिद एक ब्रिज है जिस पर गाड़ियों की आवाजाही जो है दोनों तरफ से रहती है, और ये वो जगह है जहां पर 10-12 मजदूर भी जो है वो एक डेढ़ साल पहले जो है हलाक हो गए थे। जब वहां काम शुरू करने की कोशिश की गई तब से जो है ये स्ट्रेच जो है बिल्कुल ऐसा ही पड़ा हुआ है जिस तरह से पहले भी हमने बात की। तो खूनी नाला का मकाम भी जो है जहाँ पर ब्रिज को भी थोड़ा नुकसान हुआ है, अगर मजीद बारिशें होंगी और बारिशों के अलावा भी वहाँ वो जो बड़े बोल्डर्स खिसक कर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे ब्रिज को एक बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसके साथ में जिस तरह से आपने हादसे की बात की तो हादसे में भी आज एक शख्स जो है एक लाइनमैन जांबाग वगैरह जो कि सेनाबत्ती परिस्थान के रहने वाले है, और दूसरा एक शख्स जो है मोहम्मद रफीक सनप मोहम्मद सदीक जो है वो जख्मी हो गए। उसके बाद उन्हें यहाँ PHC उखड़ाल में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन कौमी शाहरा इतने साल काम चलने के बाद भी जो है कई ऐसी स्ट्रेच अभी भी है जो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। पहले तो पैंतिहाल की बात की जाती थी, लेकिन उससे पहले जो खूनी नाला का इलाका है, जब हम देखते हैं कि इसको खूनी नाला इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा अरसा 50 साल में जो है सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है, लेकिन वो स्ट्रेच जो है अभी भी उसी तर्ज पे है जहाँ बोल्डर्स आज भी खिसक रहे हैं। उसमें अगर एक अंडरवे जो है कोई टनल जैसी बनाई जाएगी तो फ्यूचर में लोगों को शूटिंग स्टोन से या बोल्डर से बचाया जा सकता है। लेकिन अभी भी जो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसमें जियोलॉजिकल सिचुएशन जो ज्योग्राफी एतबार से जो है वो एरिया बहुत ज्यादा कमजोर है, और आने वाले समय में जो है अगर उस पर जो है कोई अल्टरनेट नहीं निकाला गया तो वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वहां पर इस नेशनल हाईवे में बन सकता है जरूर। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तो इस वक्त शाहरा पर गाड़ियां भी दरमांदा है, और कब तक शाहरा को बहाल किया जा सकता है? जरूर, जिस तरह से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो ट्रैफिक अथॉरिटी है DSP असगर मलिक की जानिब से जो है अनाउंसमेंट सपाट पे की गई, जहां पर जम्मू यानी श्रीनगर से जम्मू की ओर कुछ गाड़ियां जाने वाली थी या जम्मू से श्रीनगर की ओर आने वाली, जब ये लैंडस्लाइड होगी कश्तवाड़ी पत्थर के सामने तो साफ तौर पर वहां पर ये अथॉरिटी ने कहा कि तकरीबन 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। और अभी भी जो मेरे पास जानकारी है कि वहां पर फिलहाल अभी मैन मशीन को बरोयकार नहीं लाया गया है, इस वक्त भी जो है बारिशों का सिलसिला लगातार मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, और कहीं ना कहीं पे रात भर जो है इस एरिया में सफर करना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। चाहे खूनी नाला की बात करें, चाहे कश्तवाड़ी पत्थर की बात करें, तो अभी भी ये वाला एरिया जो है कहीं ना कहीं पे थ्रेटफुल माहौल में जो है ये एरियाज है। और अगर जिस तरह से वर्किंग एजेंसीज काम कर रही है जो क्रेट वायर या बाकी चीज लगा रहे हैं, लेकिन शूटिंग स्टोन का बहुत ज्यादा चैलेंज रहता है। और जहां पर अब ये माना जा रहा था कि अब हाईवे पे बेहतरी देखने को मिल सकती है, सफर के हवाले से एक तसल्ली बख्श सफर हो सकता है, लेकिन कुछ मकामात अभी भी ऐसे हैं जिसका मैंने जिक्र किया कि खूनी नाला भी जो है वहां पर जो ब्रिज के साथ में जो बोल्डर्स गिर रहे हैं उसमें 2 होटल जो है उस बोल्डर्स के नीचे आ गए थे, एक टॉयलेट कंप्लेक्स जो पैसेंजर्स के लिए जो है पुराने जमाने का था तो वो भी कहीं ना कहीं पे उन बोल्डर्स के नीचे है। अगर उसमें जो है एक अल्टरनेट जो है समय से नहीं किया गया खूनी नाला के इलाके में तो वो मुस्तकबिल में जो है एक बड़ा चैलेंज। चलिए आरिफ, बहुत शुक्रिया तफसलात फराहम करने के लिए। आप हमारे साथ बने रहेगा, अगली खबर पर दोबारा आपसे तफसलात लेंगे। तो आरिफ वहीद बता रहे थे कि फिलहाल श्रीनगर जम्मू इशारा पर ट्रैफिक के आमदराफ्तों को मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र
शाहरा पर जो है पुसिया गिराई है, किश्तवाड़ी पत्थर और जो खूनी नाला के करीब जो मुकाम है वहाँ पे पुसिया गिराई है, जिसके बाद ट्रैफिक के आमद रफ्त को मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि रामबन के सब डिवीजन रामसू के उकड़ाल पोगल प्रस्थान इलाके में आल्टू कार हादसे में महकमे बिजली का एक लाइन में लुकमे अजल बन गया है, जबकि कार का ड्राइवर जख्मी हुआ है। फिलहाल लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात बरते और शाहरा पर सफ़र शुरू करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता कायम करें, उसके बाद ही अपना सफ़र शुरू करें।